बॉर्डर एरिया में लोगों का रहना बहुत जरूरी है जो घुसपैठ की जानकारी देते हैं। चाइना वहां आर्टिफिशियल गांव बना लिया है लेकिन कोई चाइना में रहता नहीं है, जिसका रीजन ये है कि चाइना ने बहुत साल पहले बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश बोमडिला यहां पे बौद्ध लोगों की एक बहुत बड़ी घाटी है, तवांग घाटी। कौन घाटी? तवांग घाटी। बॉर्डर एरिया में लोगों का रहना बहुत जरूरी है जो घुसपैठ की जानकारी देते हैं। कारगिल की लड़ाई की पहली जानकारी तासी नाम दयाल ने दिया था, जो गरेड़िया था, भेड़ चराने जाता था। कोई नहीं रहता तो पाकिस्तान वाले और अच्छा से कब्जा जमा लेते। तो तवांग घाटी के आसपास लोगों का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाइना वहां आर्टिफिशियल गांव बना लिया है लेकिन कोई चाइना में रहता नहीं है, जिसका रीजन ये है कि चाइना ने बहुत साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। अब वहाँ घर में लड़का पैदा नहीं होता, राजकुमार पैदा होता है। एगो लैकवे होगा, जब तक पानी ना पी ले उसकी मम्मी खड़ी रहेगी, पी लिया कि सब खत्म हो गया, ठीक है सब ठीक बाबू मेरे, एक एक हये अगला पे रोक लगा है, सरकार ले जाएगी आगे पे, सरकार जुर्माना लगा देगी यहाँ पे। एकलौता सबको अपने भी गांव में दिखेगा ना, कुछ कुछ एकलौता होता है। हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे साथ एक लड़का मध्य प्रदेश का था, वो एकलौता था। उसका एक दिन तबीयत खराब हो गया ना, तो उसकी मम्मी मध्य प्रदेश से खिचड़ी बना के कार से लाई थी। हम कह रहे बाप रे बाप। देखो इलाहाबाद यहाँ है और रीवा पास में पड़ता है, तो रीवा के ज्यादातर लड़के ना हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में चले, तो मध्य प्रदेश से लेके चली आई थी खिचड़ी। और बताइए कितना उसका बाकी सब हम लोग देख रहे थे, लोग बाप रे बाप का कितना वैल्यू है। और नखरा कर रहा था मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, खा ले तोरा, मुझे नहीं खाना है। आईसीएसई का था, सीबीएसई से भी ज्यादा ऊपर होता है। तो यहाँ बताइए कौन डर रहा है? बोमडिला। बोमडिला किस घाटी में? तवांग घाटी।